नमस्कार दोस्तों, रेलवे का ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करते हैं आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको IRCT का जो रेल कनेक्टेड एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन होना पड़ेगा। इसके बाद से प्लान माई जर्नी पे क्लिक करने पड़ेगा। इसके बाद से आपको चूज़ करना पड़ेगा आप कहाँ से जाना चाहते हो, कहाँ तक जाना चाहते हो, किस डेट को जाना चाहते हो, और सर्च पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से सभी ट्रेनों की लिस्ट आ जाएगी, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, और पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। आई एग्री, ओके। इसके बाद से पैसेंजर को ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। पैसेंजर का पूरा नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, मेल फीमेल लिखेंगे और बर्थ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से आपको ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है नीचे की तरफ। तो देखिए, इस प्रकार से एक पैसेंजर ऐड हो गया। आप एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो या फिर पहले से ऐड हुआ है उसको डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद से आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले से ही आपने लॉगिन कर रखा है तो आ जाएगी। इसके बाद से आप कहाँ पर जाना चाहते हो उसका यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, ऑटोमेटिक से सिटी स्टेट डिटेक्ट कर लेगा। आपको यहाँ पर एड्रेस डालना पड़ेगा आप जहाँ पर जाना चाहते हो। इसके बाद से आप पेमेंट किसके थ्रू करना चाहते हो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को भी सेलेक्ट करेंगे और रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। चलिए फटाफट से मैं फिल कर लेता हूँ। तो देख लीजिए, पैसेंजर की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। आपने जो भी सही सही फिल किया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद से ए वाला कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यस। इसके बाद से आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा, आप किसके थ्रू करना चाहते हो। मैं यहाँ पर UPI के थ्रू करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर पे पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद से आप किसके थ्रू यहाँ पर करना चाहते हो उसकी UPI यहाँ पर ID डालेंगे और पे पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास फ़ोनपे है, अमेजोन पे पे है या फिर कोई भी हो UPI ID आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद से आपने जो भी यहाँ पर UPI ID डाला है उस एप्लीकेशन में जाएंगे, एक रिक्वेस्ट आई होगी आपको। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने अमेजोन पे की डाली थी इसलिए मुझे यहाँ पर अभी पे पर क्लिक कर देना है और पे नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से इंटर UPI पिन, तो देख लीजिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बता रहा है। तो देख लीजिए, जैसे आपने वहाँ पर पेमेंट किया सक्सेसफुल, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक से सक्सेसफुल हो गया और आपकी जो टिकट है कन्फर्म। इस प्रकार से आपको PNR नंबर मिल जाएगा, आपकी टिकट सक्सेसफुल बुकिंग हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है ये ऑनलाइन बुकिंग करना, आप भी कर सकते हो घर बैठे इस एप्लीकेशन के थ्रू।